अक्टूबर को हमास ने सबसे बड़ा हमला इसराइल के कुबुत्स में किया था। यहाँ के गांव की करीब आधी आबादी को हमास के आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। उस गांव से आपको न्यूज 18 इंडिया की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। नीरज ला रहे हैं ये रिपोर्ट। आतंक एक तरह का था, आतंकवादी एक तरह के थे जिनका नाम हमास था, लेकिन हर घर की कहानी अलग अलग है। नीरोज जहां सबसे बड़ा हमला किया था, बड़ा हमला इस मामले में क्योंकि 400 आबादी वाले इस गांव में 180 लोग मारे जा चुके हैं या फिर अगवा हैं, यानी बंधक बनाए गए। ये देखिए, यहां दो बुजुर्ग रहते थे, पहले तोड़फोड़ की गई होगी, पहले उन्हें निकालने की कोशिश की गई होगी, जाहिर सी बात है वो लोग छुपने की कोशिश किए होंगे, लेकिन इस घर में आग लगा दिया गया। न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें ला रहा है हर जगह पहुंचकर। यहां दो बुजुर्ग रहते थे जिनको किडनैप किया गया, होस्टेज बनाया गया। ऐसा नहीं कि बॉम्ब भी छोड़े गए, आगजनी भी की गई, ग्रेनेड भी फेंका गया। इस घर की हालत देखिए, ये देखिए राख हो गया है पूरा का पूरा। ये देखिए ये कंक्रीट में यहां किस तरह से आगजनी की गई है, खुद देखिए। यहां दो बुजुर्ग रहते थे हमें जो बताया गया, और अभी ये ढका गया है कि आवाज अभी भी गाजा की तरफ जो बमबारी की जा रही है इसराइल की सेना की तरफ से, वो तो रिवेंज ले रहे हैं, दुनिया उसे अलग अलग तरीके से देख रही है। लेकिन 7 अक्टूबर को जिस वारदात को हमास ने अंजाम दिया था, वो आतंकवादी वारदात था जिसकी सिर्फ भर्त्सना हो सकती है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, उसके लिए कोई भी बचाव नहीं है। 7 अक्टूबर को जो उन्होंने किया है, तो आपने देखा इस किबुत्स इलाके में क्या किया गया, किस तरह की बर्बरता वहां हमास के आतंकियों ने दिखाई। वहां बच्चों तक को काट दिया गया, यही आरोप है और यही वीडियो सामने निकले हैं। यहीं से कई सारे लोगों को हॉस्टेज बनाकर, बंधक बनाकर हमास के आतंकी वापस ले गए। और इसमें सिर्फ हमास ही नहीं, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये गुट, इस गुट के आतंकी भी इस हमले में शामिल थे। वहीं हमास के हमले के 23 दिन बाद इसराइल को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा में घुसकर हमास के चंगुल से अपनी एक महिला सैनिक को छुड़ा लिया और उसे सही सलामत इसराइल वापस पहुंचा दिया, जहां उसके घर वालों ने अपनी बेटी को सामने देखकर उसे गले लगा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कामयाबी के लिए IDF की पीठ थपथपाई और लगे हाथ हमास को मिटा देने की धमकी एक बार फिर दोहराई। सात अक्टूबर के बाद पहली बार इसराइलियों के चेहरे पर खुशी आई है, क्योंकि इसराइल की एक बहादुर बेटी दुश्मन के चंगुल से सही सलामत निकाल कर वापस लाई गई है। सात अक्टूबर को जब हमास के लड़ाकों ने इसराइल में घुसपैठ की, तब बदकिस्मती से इसराइली सेना में तैनात महिला सिपाही ओरी मैगी डीश उन लड़ाकों के हाथ लग गई और वो लड़ाके उसे बंधक बनाकर अपने साथ गाजा पट्टी ले गए। करीब 23 दिनों तक दुश्मन की कैद में बंधक रहने के बाद इसराइली सेना ने ओरी को उत्तरी गाजा में घुसकर हमास के चंगुल से रिहा कराया। ओरी की सही सलामत घर वापसी से उसके घर में खुशियां लौट आईं। दादी अपनी पोती को गले से लगाकर प्यार करने लगी तो घर में मौजूद बाकी लोग खुशी मनाने लगे। इस बीच घर में मौजूद एक शख्स ने खुशी का इजहार कुछ इस तरह से किया। ओरी को पाकर उसका परिवार बेहद खुश है और दुआ कर रहा है कि जैसे उनकी बच्ची दुश्मन के चंगुल से सही सलामत निकाल कर वापस लाई गई है, उसी तरह इसराइल के बाकी 220 से ज्यादा बंधक भी लाए जाएं। हमास की कैद से ओरी की रिहाई के बाद पूरे इसराइल में बंधकों की घर वापसी की एक नई उम्मीद जगी है और इस उम्मीद को बनाए रखने की कोशिश खुद PM नेतन्याहू भी कर रहे हैं। उन्होंने ओरी और उसके परिवार वालों को बधाई देते हुए कहा कि हमास की कैद में बंधक इसराइल के हर नागरिक की वापसी के लिए सेना आकाश पाताल एक कर देगी। אתוראית אורי מגידיש. אורי נחטפה בבוקר השחור של 7 באוקטובר. ברוך שובך הביתה אורי. אני מברך את השבק ואת צהל על ההישג החשוב והמרגש הזה, הישג שמבטא את המחויבות שלנו להביא לשחרור כל החטופים. עם ישראל כולו
इस मौके पर नेतन्याहू ने हमास को फिर से धमकी देते हुए कहा कि वो हमास को इतना अपाहिज कर देंगे कि हमास के आतंकी उनके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगेंगे। להביא לשחרור כל החטופים. עם ישראל כולו מצדיע לשבק ומצדיע לצהל. ולמחבלי החמאס ולדאש, אני אומר, אתם מפלצות. אנחנו נמשיך לרדוף אתכם. हमास की कैद से घर लौटी इजरायली महिला सैनिक ओरी मेगिडिश की रिहाई के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए आईडीएफ के रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ओरी को हमास की कैद से आजाद करा और मेडिकल चेकअप के बाद पता चला कि वो सही सलामत है। इसके बाद उसे उसके परिवार वालों से मिलने दिया गया। रामतकाल וראש השבק נפגשו עם אורי ומשפחתה במפגש מרגש מאוד. החזרנו את אורי הביתה. חמאס מפעיל טרור פסיכולוגי נגדנו. 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1400 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि हमास ने इजरायल में घुसकर 239 लोगों को बंधक बना लिया था। अब इन्हीं बंधकों को छोड़ाने के लिए इजरायल के सैनिक गाजा में घुस चुके हैं और अपने आखिरी नागरिक की रिहाई तक इजरायल चुप नहीं बैठेगा।